यस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. तो डिस्कशन करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे. टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी रक्षा युक्तियाँ या बचाव तंत्र आप इसको कह सकते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. सिगमंड फ्रॉयड को इसका श्रेय जाता है इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे टॉपिक का. और हम अभी बात करेंगे के मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट टॉपिक हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, और उसमें हमने बात की थी ये आया कहाँ से, इस पर चर्चा करेंगे. उसमें हमने बात की थी मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में कि कुछ होते हैं डायरेक्ट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधियां जिनमें आप डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, या तो अपने गोल को चेंज कर देंगे या जो भी समस्या सामने आ रही होगी उसको हटा देंगे. ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट तरीका. इनडायरेक्ट तरीका कौन सा हो सकता है? अप्रत्यक्ष, जिनको हम डिफेंस मैकेनिज्म कह रहे हैं वो इनडायरेक्ट तरीके हैं. इनडायरेक्ट मेथड्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष तरीके या डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा युक्तियां, इन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं. आपने बहुत सारे सुने होंगे, सब्लिमेशन क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करें रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, डे ड्रीमिंग, बहुत सारे हैं, आइडेंटिफिकेशन, कम से कम भी 12-15 हम आज डिस्कस करेंगे. अगर मैं बात करूं तो ये बचाव के तरीके हैं, ये इनडायरेक्ट हैं, ये सबकॉन्शियसली होते हैं, ये अचेतन रूप से होते हैं, मतलब ये अप्रत्यक्ष हैं. इनकी बात सिगमंड फ्रॉयड करते हैं. ठीक, बेसिकली होता क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? जो हमारा ईगो है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारे इड में हैं और वो पूरी नहीं हो सकती, या उनमें एक क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है ईगो के साथ. तो ईगो तरीका निकालता है आपके दिमाग को बैलेंस में रखने का, कि कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा ईगो को, नहीं तो हो सकता है आप कुछ चीजें बर्दाश्त ना कर पाएं और पागल ही हो जाएं, है ना. तो जो ये तरीके हैं, जो ये मेथड्स हैं, जो वेज हैं, जो ईगो अपनाता है आपको बैलेंस में रखने के लिए, वही हैं डिफेंस मैकेनिज्म. आज बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड की, यानी प्रत्यक्ष विधियों की, और इनडायरेक्ट की. डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट कुछ 3-4 तरीके हो सकते हैं. प्रत्यक्ष विधियां अगर हम बात करें, किसी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर देना, जो भी ऑब्स्टेकल आपके सामने है उसको हटा देना. मान लीजिए आप पढ़ना अच्छे थे पढ़ाई में, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन ले लिया, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो ये हुआ डायरेक्ट सॉल्यूशन. रिप्लेसमेंट क्या है? आपने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, आपने रिप्लेस कर दिया अपने गोल को. अगर एक चीज से नहीं बन रहा था, दूसरा तरीका, दूसरा एम, दूसरा गोल ले लिया आपने. ठीक है बात. अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस और डिसीजंस. आप जब डिफिकल्ट टाइम्स में हो तो प्रॉपर चॉइस या बेटर डिसीजन अगर आप लेते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, तब भी प्रॉब्लम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगी. फिर फोर्थ तरीका हो सकता है चेंजिंग प्लान्स. जो आपके प्लान्स हैं, जो वेज आप अपना रहे हैं, जो एटीट्यूड आपका है, उसमें परिवर्तन ला करके समस्या का समाधान निकाल लीजिए. ये हुए डायरेक्ट तरीके. ठीक, अब इनडायरेक्ट तरीके जो आज का मेन टॉपिक है, यानी इनडायरेक्ट वेज या डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां, ये सबकॉन्शियसली आपका जो ईगो है वो करेगा, अचेतन या अवचेतन रूप से. ये आपको पता भी नहीं है बट आप कर रहे हैं. ठीक है बात. तो डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा युक्तियां, रक्षा युक्तियां इंपॉर्टेंट है, समझते जाइएगा, और आपको अपने भी बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के टॉपिक से, कि हम डेली लाइफ में क्या क्या करते रहते हैं, उन चीजों का महत्व क्या है. ठीक है, क्लियर है बात. अभी एग्जाम्पल दिया ही नहीं है, मुकेश कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सही नहीं बता रहे हो, एग्जाम्पल की शुरुआत भी नहीं हुई. कई लोग इतने बेचैन हैं, इनका इलाज संभव नहीं है, है ना. पहले पूरा सेशन देख के समझा तो करो भाई. खैर, एक मिनट रुको, स्टार्ट करेंगे. अगर हम बात करें तो कुछ वेज हैं, ये दिए किसने? सिगमंड फ्रॉयड ने 1896 में, सिगमंड फ्रॉयड. बाद में इनकी बेटी एना फ्रॉयड ने इन पे काम किया, और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं. जो मेनली हम पढ़ रहे हैं वो सिगमंड फ्रॉयड वाले पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है. ठीक, सिगमंड, दिमाग में पता नहीं कौन सा डिस्लेक्सिया हो गया आजकल. ठीक, खैर, दिस इज द स्पेलिंग. ठीक, तो सिगमंड फ्रॉयड की यदि हम बात करें तो इन्होंने इनको दिया 1896 में. ठीक, कि कैसे हमारा ईगो बैलेंस क्रिएट करेगा रियलिटी के साथ. ठीक, धीरे धीरे पढ़ते रहो, डेली क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो गई हैं आज से, और क्योंकि एग्जाम जल्दी हो लेट हो बट होना तो है ही. ठीक, अगर हम बात करें रैशनलाइजेशन की, यानी युक्तिकरण की. युक्तिकरण क्या है? बेसिकली एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, रीजंस देते हैं कि
ऐसा हो गया था इसलिए मैं फेल हो गया, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, किताब नहीं मिली थी, पेपर मुश्किल आ गया था, मतलब ऐसे बहाने जिनमें तर्क है, जिनमें रीजनिंग है, ठीक है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, रैशनलाइजेशन कह सकते हैं, युक्तिकरण कह सकते हैं, है ना। तो कह सकते हैं रैशनलाइजेशन वो तरीके हैं जिसमें आप प्रॉपर रीजन तैयार रखते हैं अपने फेलियर का या किसी भी एक प्रॉब्लम का, ठीक है, जिसमें तर्कपूर्ण रीजन होगा कोई। इसको दो तरीके से माना जाता है, दो टाइप हो सकते हैं इसके, एक ग्रेप्स आर सोर यानी अंगूर खट्टे हैं, ये आपने कहानी बचपन में जरूर पढ़ी होगी कि लोमड़ी के हाथ जब वो अंगूर नहीं आते तो वो कहते कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए चाहिए नहीं, मतलब जब आप कर नहीं पाए तो आपने रीजन दे दिया कि खट्टे हैं इसलिए नहीं चाहिए, खराब था इसलिए नहीं चाहिए, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, बुक अच्छी नहीं थी, मेरे पास तो पेन नहीं था, पता नहीं कौन कौन से रीजन, ठीक। दूसरा इसका एक तरीका है लेमन्स आर स्वीट यानी नींबू मीठे हैं, मतलब ऑपोजिट बात। इसका क्या मतलब है, जब आपको दिख रहा हो कि जो रियलिटी है उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा, जबरदस्ती आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं ये तो बेस्ट चीज है दुनिया की मेरे लिए, है ना। आपके घर में एक ऐसी समस्या है या किसी के जो फादर हैं, डैडी इश्यूज हैं किसी के, है ना, वायलेंस होता है या जो भी है इस तरीके का, एक जॉब है जो बिल्कुल पसंद नहीं है बट उसका उल्टा कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बेस्ट हैं दुनिया में, है ना। तो लेमन्स आर स्वीट और ग्रेप्स आर सोर, ये इसी का एग्जांपल है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पेपर्स में कि अंगूर खट्टे हैं किसका एग्जांपल है, तो आप कहेंगे रैशनलाइजेशन, आप रैशनलाइज कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, और नींबू मीठे हैं, ये दोनों ही एग्जांपल रैशनलाइजेशन के हैं जिसमें तर्क का इस्तेमाल किया जाता है अपने फेलियर या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। धन्यवाद रजनी गुप्ता, यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी, किसी को कोई समस्या यहां तक की बात समझने में हो रही हो तो बताओ। आजकल थोड़ा सा ध्यान रखो, कोरोना का भी प्रकोप है और वैसे भी वायरल वगैरह भी है, इसके अलावा पढ़ते रहो घर में बैठ के, ज़्यादा इधर उधर घूमो मत, आजकल मैं भी बाहर कम ही निकल रही हूँ, है ना। और कोई परेशानी, दर्द, समस्या कुछ हो तो बताओ, यहाँ तक की बात समझने में मुझे नहीं लगता किसी को भी कष्ट होगा। सीटेट जब आएगा पता लग जाएगा, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है बात। यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, चलिए फिर प्रॉपर रीजन हम दे देते हैं खुद को, इसी को हम रैशनलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक। सेकंड है रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। आपने सुना होगा कि बच्चों की तरह फूट फूट के रोना किस चीज का एग्जांपल है, तो वो रिग्रेशन का एग्जांपल है, जब आप जिस उम्र में हैं उससे पुराने स्टेज में जाकर के बिहेव करने लगे। एक क्वेश्चन आता है कि एक खिलाड़ी है और जिसने जैसे ही वो आउट होता है तो बैट को ऐसे पीटना शुरू कर देता है, तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, ये रिग्रेशन है, अपने से पहली स्टेज में पहुंच जाना। एक मिनट रुको, कंटिन्यू करेंगे, आ जाओ पहले लाइक शेयर कर दो, इतने आती हूं। देखो एक बार, बिना वॉच के इतना अनकंफर्टेबल सा लगता है, देखो एक बार। दीक्षा कह रही हैं, आप कहती हैं कि आप छुट्टी नहीं होगी, फिर एक दिन बाद छुट्टी हो जाती है यार, कुछ ना कुछ चीजें आ ही जाती हैं। खैर फोकस रहेगा, अब ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है बात। अगर हम बात करें रिग्रेशन की, तो रिग्रेशन है अपने से पहली अवस्था में पहुंचना या छोटी अवस्था में, पहली अवस्था में जाकर व्यवहार करना। जैसे कोई फेलियर मिला और फूट फूट कर रोने लगे बच्चों की तरह, या बैड विटिंग, बिस्तर में जो टॉयलेट वगैरह अगर किसी का निकलता है बड़ी उम्र में भी, तो वो रिग्रेशन है, है ना। रोना जो है वो रिग्रेशन का एग्जांपल है, रोना रिग्रेशन का एग्जांपल है, छोटे बच्चों की तरह रोना बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बैड वेटिंग है, बिस्तर गीला करना, वो भी इसी का एग्जांपल है। कोई बात बर्दाश्त नहीं हो रही और बच्चों की तरह क्या करने लग गए, बैट वगैरह तोड़ना किसी भी, मतलब बेसिकली आप जिस स्टेज में हैं उससे पहले की हरकतें अगर आप कर रहे हैं तो
क्या कहलाएगा? रिग्रेशन कहलाएगा, प्रतिगमन कहलाएगा, पुरानी अवस्था में जाना कहलाएगा। वेद सिंह, मैं आपके कमेंट्स देख पा रही हूँ, फोकस कीजिए चैप्टर पे, तभी आप लोग का डिस्कशन पे ध्यान, जिनका नहीं रहता उनको प्रॉब्लम होगी। कॉम्पनसेशन की यदि हम बात करें, क्षतिपूर्ति कहते हैं इसको, कॉम्पनसेट करना, जैसा कि आपने सुना होगा कि कॉम्पनसेट करने के लिए इतना मुआवजा दे दिया, ये कर दिया, किसी की डेथ या कुछ इस तरीके का केस लग गया, तो कॉम्पनसेशन है बेसिकली, एक चीज जो आप चाहते थे वो नहीं हुई तो उसके बराबर का कुछ, के यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ तो कुछ बड़ा करते हैं, है ना, या जो बड़े का मतलब उस तरीके का जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके कि भाई ये नहीं हुआ। अभी एक सीरीज आ रही है ना वो टीवीएफ की, आई थिंक वो एस्पिरेंट्स करके, तो उसमें एक है कि भाई यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो वो बंदे ने बिजनेस कर लिया, वो अपने आपको सक्सेसफुल मान रहा है आज की डेट में। तो कह सकते हैं कि एक चीज नहीं हुई तो कुछ दूसरा इस तरीके का कर लेना जिससे कॉम्पनसेशन हो सके, या फिर जैसे जिन लोगों की हाइट कम है वो हील पहन करके कॉम्पनसेट करते हैं कि भाई हील पहन ली तो क्या होगा, अब बराबर हो गई चीजें, जो कम थी वो पूर्ति हो गई, कॉम्पनसेट कर लिया हील पहन करके। या फिर अगर मैं बात करूं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो स्पोर्ट्स में या किसी और क्षेत्र में अच्छा करें, तो वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं अपनी प्रतिभाओं के साथ, ठीक। तो कॉम्पनसेट यानी एक फील्ड में यदि बेटर नहीं कर पा रहे तो दूसरी जगह पे बेटर कर पाए, यदि कहीं एक जगह पे फेलियर मिल रहा है तो दूसरी जगह पे कॉम्पनसेट कर दें उसको दूसरे तरीके से, ठीक। हील वाला एग्जांपल आपको याद रहेगा, या पढ़ाई में अच्छा ना कर पाना तो स्पोर्ट्स में अच्छा करना, म्यूजिक में अच्छा करना, किसी एक क्षेत्र में अच्छा करना दूसरे क्षेत्र को कॉम्पनसेट करने के लिए, एनर्जी कहीं और लगाना इज अ डिफरेंट थिंग, वो सब्लिमेशन में आ जाएगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या है? प्रोजेक्शन है कि मान लीजिए आप झूठ बोल रहे हैं और आप किसी और को कह रहे हैं नहीं यार तुम ही झूठ बोल रहे हो, है ना, तो उल्टा थोप देना चीजें किसी और पे, प्रोजेक्ट कर देना जो आप में है आप उसको कहीं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, प्रक्षेपण कहलाएगा ये। डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप होता है, ये आगे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। सामने वाले पे दोषारोपण कर देना, है ना, दोष किसी और पे डाल देना। दो हस्बैंड वाइफ है, उनमें से कोई एक चीट कर रहा है और जो चीट कर रहा है वही कह रहा है अगले को कि तुम ही मेरे साथ सच नहीं बोलती हो, तुम ही चीट कर रही हो या कर रहे हो, ठीक। तो दोषी ही एक तरीके से दूसरे पे दोष डालने वाली बात हो गई, ठीक, दूसरे पर थोपने वाली बात हो गई। इसमें कोई रीजन नहीं है, बस थोप दिया। रैशनलाइजेशन में रीजन है, प्रॉपर तर्क है, इसमें रीजन की जरूरत नहीं है, बस थोपना है। आगे बढ़ेंगे। सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब्लिमेशन मतलब आपके इड में ऐसी कुछ डिजायर्स हैं जो सामाजिक रूप से जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, सोशल एक्सेप्टेंस। हाँ, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो प्रोजेक्शन में आ जाएगा, जो बेसिकली जिनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं और भी कुछ ऐसी चीजें जो समाज में जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जैसे अग्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ऐसा थोड़ी आपको गुस्सा रहे तो आप किसी की भी नाक फोड़ देंगे पकड़ के रोड पे, तो वो तरीका सही नहीं है। इसलिए एनर्जी को कहीं और लगा देना, भाई जिनमें ज्यादा अग्रेशन है, जिनमें ज्यादा गुस्सा है, उनको या तो आर्मी या फिर स्पोर्ट्स में, किसी मुक्केबाजी में, इन सब चीजों में उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर देना इस तरीके से जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, यानी सोशली एक्सेप्टेबल वेज में अपनी एनर्जी को लगाना, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को शिफ्ट करना, हम कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी शिफ्ट करना या दिशा बदल देना उस चीज की सोशली एक्सेप्टेबल वेज में। जैसे मान लीजिए कुछ सेक्सुअल डिजायर्स हैं, डायरेक्टली तो पूरी नहीं करेगा इंसान, तो आर्टिस्ट बन गया, कोई गीत लिख दिया, कोई पेंटिंग बना दी, मतलब ऐसे तरीकों से उस लिबिडो को क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, जो सोशली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप ये नहीं कर सकते, समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भाग मिल्खा भाग में आपने देखा कि बहुत ज्यादा वो जो भाग मिल्खा सिंह है उनमें बहुत ज्यादा अग्रेशन है। अब वो कहाँ है, फौज में है। अब ऐसा तो है नहीं कहीं भी गोली चला देंगे आंख बंद करके, तो उनके जो कोच है उन्होंने कहा कि इनको स्पोर्ट्स में लेके आते हैं ताकि ये जो एनर्जी है इनकी, जो बहुत ज्यादा अग्रेशन है, वो सही रूप में क्या हो सके, उदात्तीकरण हो सके, उसका फॉर्म चेंज हो सके। तो फिर स्पोर्ट्स में वो चले गए तो वो एनर्जी पॉजिटिवली सोशली एक्सेप्टेड वेज में प्रदर्शित हो पाई, ठीक है बात। एक बार देखो यहां पे चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा, चलो सही चल रहा है, तो ये एक बेसिक बात है, क्लियर है बात। आर्टिस्ट बन जाना, ठीक, बुक राइटिंग कुछ हो सकती है, इस तरीके की चीज है, क्लियर। आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो सब्लिमेशन में ऐसी चीजें थी जो एक ऐसी एनर्जी जिसको आप सोशली डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, बट इनडायरेक्टली उसका रूप चेंज करके, जगह चेंज करके आप कर सकते हो। जैसे भाग मिल्खा भाग वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया,
लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे, जिनमें बहुत ज्यादा आक्रामकता है वो बॉक्सर वगैरह बन जाएं, ठीक ठीक भाई। जो बच्चा आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा एग्रेशन है, एनर्जी है, स्पोर्ट्स में डाल दिया उसको, इस तरीके की चीजें। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आप एक जगह पर प्रदर्शित करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए, डेंजर हो सकता है। जैसे अगर आपने बॉस पे गुस्सा कर दिया डायरेक्टली, नौकरी चली जाएगी आपकी, ठीक। तो आपने उस गुस्से को, वो जो डांट आपको बॉस से पड़ी थी, उसको घर जाके अपने बच्चे पे या अपनी वाइफ पे या अपने हस्बैंड पर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसका विस्थापन कर दिया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि एक जगह जहां पे खतरा था उस जगह से दूसरी जगह जहां पे खतरा नहीं है आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया डेंजर से सेफ सिचुएशन में, उस गुस्से को, उस एंगर को, है ना, उस फीलिंग को, ठीक है बात। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक बच्चे के फादर अपने ऑफिस से डांट पड़ने पर घर आके बच्चे को डांटते हैं या पिटाई हो जाती है या घर में गुस्सा करते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक खतरनाक स्थिति, क्योंकि बॉस को तो डांट नहीं सकते थे, नौकरी चली जाती, पुलिस को तो चालान काटने में कुछ कह नहीं सकते, बट वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको डिस्प्लेस कर दिया कहीं और, जहां पता है कि कोई और तो कुछ कहेगा नहीं। जैसे वो मूवी है ना थप्पड़, तो आपने उसमें देखा है कि वो बॉस को तो कुछ नहीं कह पाता है, और वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है अपनी ईगो को बचाए रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, कोई कह रहा है दूसरे के हॉटस्पॉट से डेटा यूज करना कौन सी युक्ति है, कोई युक्ति नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इनडायरेक्टली करना पड़े, ये तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग है डायरेक्ट, अल्टरनेट वे यूज कर लिया आपने एक तरीके से, तो ये डायरेक्ट मेथड का हिस्सा है कि अपना इंटरनेट नहीं है तो दूसरे का यूज कर लिया। कोई कह रहा है वॉइस नहीं आ रही, अच्छा जी छवि मान लें आपकी बात। देखो रिप्रेशन क्या है, रिप्रेशन इंटरेस्टिंग है, इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं, यानी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का मतलब क्या है, मोटिवेटेड एग्जाम तो होंगे, देखो लेट हो जल्दी हो, होंगे तो सही, कहाँ जाएंगे एग्जाम, उम्मीद ही रख सकते हैं, है ना, उम्मीद ही रख सकते हैं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग यानी अभी प्रेरित भूलना कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब क्या हुआ इसका, कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी डिजायर्स आपकी, कुछ ऐसे सपने आपके, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के जिनको आप याद नहीं रखना चाहते, जिनको आपका ईगो या आपकी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी यदि आप डायरेक्टली वो चीज रखें, ठीक। तो आप क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, और ये सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हो जाता है, इसमें आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, अपने आप ही वो इच्छाएं दमित हो जाएंगी, अपने आप ही उनका दमन हो जाएगा, रिप्रेस्ड हो जाएंगी ऐसी डिजायर्स जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको आप रिप्रेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए यूपीएससी में बहुत ट्राई करने के बाद फेलियर हो गया, अब आप उस बारे में सोचते ही नहीं, अब से चार साल बाद अपने आप ही दिमाग ने उसको दबा दिया, भूल गए आप, ठीक। कोई ऐसी घटना घट गई किसी की, और हाँ एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना टाइप्स, बट वो अंदर पड़ा हुआ है आपके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट वो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग दबा दिया गया है उसको, किस तरीके से, सबकॉन्शियसली, ये रिप्रेशन है, ठीक। कोई भी ऐसी घटना आपके जीवन की, चाइल्डहुड अब्यूज हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, रिप्रेशन के अंदर दमन, शमन है सप्रेशन, इसमें कॉन्शियसली चेतन रूप से आप जिन चीजों को भूलना चाहते हैं उनको भूल जाते हैं, वहां सबकॉन्शियसली था, वहां आपने बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट नहीं किया, बट यहां कॉन्शियस एफर्ट है, यहां कॉन्शियस एफर्ट है, यही अंतर है सप्रेशन और रिप्रेशन में, यहां चेतन रूप से करेंगे आप जो एफर्ट करेंगे, सप्रेशन में आप कॉन्शियसली किसी चीज को दबा रहे हैं जिसको आपको याद नहीं रखना है ना, कि ठीक है छोड़ो यार है, तो ये हुआ सप्रेशन। इन दोनों में यही अंतर है, इनमें छोटा छोटा सा अंतर है। डिनायल यानी इनकार, कोई ऐसी घटना घट गई जिसको आप याद नहीं रखना चाहते, तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो चीज हुई ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं कोई, जो स्पेशली शहीदों के केस में या ऐसी अचानक जहां मृत्यु की बात होती है, तो फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा क्लोज है। मान लीजिए कोई शहीद है, उनकी वाइफ है और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, शहीद हो गए वो, अब वो देख करके एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है अचानक से आए तो, क्योंकि गए तो सही थे, आए सही नहीं।
अब वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, वो डिनायल में है कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, वो रो भी नहीं रहे हैं। ऐसे लोग खतरनाक हो जाते हैं, जबरदस्ती उनको रुलाना पड़ता है फिर, ठीक है। तो डिनायल में है कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं, है ना, ये तो हुआ ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, वो बिहेवियर ऐसा डिनायल टोटल कि नहीं, है ना, ये हो ही नहीं सकता। तो स्वीकार ही ना करना, एक्सेप्ट ही ना करना डिनायल है ना। अपने ही बारे में कोई ऐसी बात हो सकती है, इंसान डिनायल में रहता है कि मानेंगे ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न, आपकी जो भी परिस्थिति है। डे ड्रीमिंग तो आधी दुनिया का शौक बन गया एक तरीके से, है ना। डे ड्रीमिंग क्या है वैसे, एडोलेसेंस में होती है कायदे से, कि आप अपनी कल्पना का यूज करके, यानी इमेजिनेशन, कल्पना आपकी कोई दोस्त नहीं, ठीक, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो भी आज की रियलिटी है आपकी, जो रियलिटी है उससे दूर भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। मान लीजिए आर्थिक रूप से बहुत ही खराब तंगी की स्थिति है, पैसे नहीं है रोटी खाने के भी, और दिमाग में चल रहा है जब मेरे पास 50 लाख रुपया होगा ना, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा या लूंगी, ये वाला होटल में बैठ करके खाऊंगा या खाऊंगी। ये क्या है, ये डे ड्रीमिंग है, दिवा स्वप्न है, कि अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक तरीके से इंसान डे ड्रीमिंग में है ना। एक्शन या रियलिटी कुछ और है, बट अलग ही कल्पनाओं की दुनिया में है, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्यकरण। कई बार लोग अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सबकॉन्शियसली होता है, ये आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, कि कोई व्यक्ति आपको बहुत पसंद है उसके जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। एक क्वेश्चन आता है कि टीचर के ही जैसे बिहेव करता है एक बच्चा, टीचर के जैसे ही बोलना सीख लेता है, टीचर के जैसे ही कपड़े पहनता है, किस लिए, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड है, तदात्मीकरण हो गया टीचर से। टीचर से हो तो चलो अच्छी बात है कि उनको फॉलो कर रहा है या कर रही है, अगर अच्छी चीज है तो। अदरवाइज कई बार मूवीज वगैरह से भी हो जाता है कि तेरे नाम देखी और बीच की मांग निकाल के घूम रहे हैं, ये क्या है, तदात्मीकरण है, ठीक, आइडेंटिफिकेशन है। जिस व्यक्ति को आप आइडलाइज कर रहे हैं या मान रहे हैं, उसी के जैसा बिहेवियर, उसी के जैसा बाहरी रूप से आप दिखा रहे हैं वैसा करके, या अगर कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति है और आप फेमस होना चाहते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवा करके आपको लग रहा है मैं भी बड़ा बन गया हूं, अब तो उसको जिंदगी भर हर जगह पे व्हाट्सएप के सारे स्टेटस पे लगाएंगे, है ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर सबकॉन्शियसली हो रहा है, जान करके कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन, एक बच्चा है जो, एक क्वेश्चन आया हुआ, एक बच्चा है जो टीचर के जैसा ही स्वेटर पहनने लगता है, टीचर के जैसे ही बोलने लगता है, है ना, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है बात। हाँ, रीड के लिए इंग्लिश पेडागॉजी की एक क्लास लगेगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और थोड़े थ्योरी के कॉन्सेप्ट कराऊंगी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन यानी प्रतिक्रिया निर्माण। रिएक्शन फॉर्मेशन जस्ट उल्टा है जो आप फील कर रहे हैं उसके, है ना, जो आप फील कर रहे हैं उसका जस्ट उल्टा है रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक। जैसे एक मिनट रुको, कुछ लोग तो इतने दुखी रहते हैं भाई, इनका तो इलाज ही संभव नहीं हो पा रहा है, एक मिनट रुको। देखो एक बार, बात कर रहे थे किसकी, रिएक्शन फॉर्मेशन की। रिएक्शन फॉर्मेशन है क्या, रिएक्शन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन फॉर्मेशन है भाई, आप जो फील कर रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट फॉर्म करके दिखा दिया, है ना, जो आप फील कर रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट फील करके दिखा दिया, या दिखा दिया, रिएक्शन फॉर्म किया। आगे बढ़ते हैं, खत्म। तो यही था आज का सेशन, और अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट वाला चैप्टर रहता है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। कोई और बात हो तो बताओ, क्लास बहुत फास्ट हो रही है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर फटाफट से, अगर दिक्कत हो रही है तो, है ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, अगर दिक्कत हुई है तो, कहीं दिक्कत, कहीं कंफ्यूजन कुछ बची है तो रिवीजन कर लेंगे एक बार। मैं कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट है।
चलिए एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, जिनको कन्फ्यूजन बाकी रही है। 5 मिनट लगेंगे, 1 मिनट रुको, फास्ट हो रहा है तो पता नहीं लगता कई बार फास्ट हो रहा है। देखो, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में दो चीज़ें थी, एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरे थे इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड में आप अपने गोल को चेंज कर लीजिए, अपने, वैसे मैं शेयर कर दूंगी, अपने गोल को चेंज कर लीजिए, आप अपने एम को चेंज कर लीजिए, या कोई प्रॉब्लम सामने है तो उसको हटा दीजिए, थोड़ा प्लान्स में चेंज कर लीजिए, है ना, कि डेटा आपका डेटा नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं है और क्लास देखनी है तो अपना यूज नहीं कर सकते, तो किसी से हॉटस्पॉट उधार ले लिया, ये है प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब इनडायरेक्ट क्या है, ना तो उधार ले सकते हैं ना अपने पास है, फिर आप नए नए तरीके आपका ईगो अपने आप को सेटिस्फाई रखने के लिए प्रयोग करेगा, जैसे इनडायरेक्ट मेथड्स और ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इनडायरेक्ट मतलब, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपका ईगो यूज कर रहा है चीजों को। इनडायरेक्ट में बात करेंगे, ये हमने समझ लिया प्लांस में चेंज करना। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, सिगमंड फ्रॉइड ने इसको 1896 में दिया। अगर रैशनलाइजेशन सबसे ज्यादा कॉमन है, प्रॉपर रीजन के साथ तर्क देकर के आप कहते हैं टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, नोटबुक हो गई थी, पेपर में पेन नहीं चल रहा था, मतलब ऐसे बहाने जिनमें तर्क या रीजन है, ठीक है, जिनमें रीजन है, ठीक, युक्तिकरण कहते हैं इसको। ग्रेप्स आर सोर यानी अंगूर खट्टे हैं, भाई हाथ ना आने पे किसी चीज को ही बेकार बता देना कि मुझे तो चाहिए ही नहीं था। लेमन्स आर स्वीट, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है बात। फिर है रेग्रेशन यानी प्रतिगमन, ये सबकॉन्शियसली होते हैं। प्रतिगमन है अपनी एज से कम एज की तरफ वापस लौट जाना, फूट फूट कर रोना किसी एक असफलता पर, या मैंने बैट तोड़ने वाला एग्जाम्पल बताया था, बैट विटिंग, विटिंग यानी बिस्तर गीला करना, अपने से पुरानी अवस्था में, बचपन की अवस्था में जाकर के बिहेव करना, ये क्या है, रिग्रेशन है। ये हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाओ वाले जो रोते रहते हैं, इनका कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, है ना। बायलिंगुअल ऐसे ही चल सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। आप अगर 5वीं कक्षा के भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बेसिक चीजें तो आपको पता हो कि एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों समझ पाए आप। कॉम्पनसेशन की यानी क्षतिपूर्ति की यदि हम बात करें, तो एक व्यक्ति जिसकी हाइट कम है वो हील पहने या मोटे जूते पहन करके अपनी हाइट को कॉम्पनसेट करता है, ये क्या है, कॉम्पनसेशन है, क्षतिपूर्ति है। आईएएस नहीं बन पाए तो एक बड़े बिजनेसमैन बन गए या कुछ ऐसा बन गए जिसमें आपको पावर फील हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्पनसेशन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई अगर बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पा रहे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाएं, यानी स्टडीज में अच्छा नहीं हो रहा तो दूसरे फील्ड में एटलीस्ट कॉम्पनसेट कर लें। प्रोजेक्शन है प्रक्षेपण, अपना दोष किसी और पर मंड देना, है ना, झूठ आप बोल रहे हैं किसी और को कह दो कि नहीं तुम झूठे हो। फिर है सबलिमेशन, ऐसी एनर्जी, ऐसी आपकी डिजायर्स जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्या है वो, उनको दूसरी ऊर्जा या उनको दूसरा रूप दे देना। कोई सेक्सुअल डिजायर या बहुत ज्यादा अग्रेशन, अगर आक्रामकता है तो उसको किसी एक स्पोर्ट्स में आपने लगा दिया, भाग मिल्खा भाग का मैंने आपको एग्जांपल दिया। कुछ ऐसे सेक्सुअल डिजायर्स हैं जिनको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ लोग शायरी लिख देते हैं, कुछ लोग जो आर्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, पेंटिंग वगैरह। डिस्प्लेसमेंट है एक स्थिति से जहां पे डेंजर हो सकता था, खतरा हो सकता था, सेफ स्थिति में परिवर्तित कर देना। बॉस की डांट खाकर घर आके बच्चे पे गुस्सा करना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बात। नेक्स्ट है रिप्रेशन यानी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, आप ऐसी इच्छाओं को, ऐसे एक्सपीरियंसेस को दबा देते हैं जिनको आप जीवन में याद नहीं रखना चाहते कि आपके साथ हुआ था, ठीक है, ये सबकॉन्शियसली होता है यानी अवचेतन रूप से होता है, जबकि सप्रेशन में अंतर यह है कि ये कॉन्शियसली होता है, चेतन रूप से होगा, चेतन रूप से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो डिनायल यानी इनकार, यानी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे रियलिटी को, आप कह रहे हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, ठीक, ये तो हो ही नहीं सकता। डे ड्रीमिंग यानी कल्पना की दुनिया में रहना, दिवा स्वप्न जो रियलिटी है उससे जस्ट ऑपोजिट आप सोच रहे हैं, ये है डे ड्रीमिंग। फिर है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन यानी तदात्मीकरण, टीचर जैसा स्वेटर, टीचर जैसा बिहेव, या किसी भी एक एक्टर या वैसा जैसा बिहेव जैसा वो बाहर से दिखता है वैसा ही दिखना, या फिर किसी भी एक व्यक्ति, जगह, वस्तु, स्थान के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना कि मैं तो इसी से जुड़ा हुआ हूँ, फोटो खिंचा करके या जो भी है स्टेटस लगा करके। रिएक्शन फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो ये जस्ट ऑपोजिट बिहेव करना जैसा आप फील कर रहे हैं, है ना, आपको डर फील हो रहा है और आप बाहर से दिखा रहे हैं अरे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ या डरी हुई नहीं हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो ये एक बेसिक सा डिस्कशन हुआ, देखो टॉपिक के हिसाब से सेशन चल रहा है, सेशन बड़े हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और जब एग्जाम आता दिखेगा तो बड़े कर भी देंगे। डेली कॉन्टिन्यूटी बन पाए इस चीज पे फोकस करो, इस बात के लिए ये लेकर के दुखी मत हुआ करो। ऐसा नहीं है अगर छुट्टी होती है सब जगह छुट्टी होती है, ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब से मुझे कोई परेशानी है। मुझे लगता है जितनी मैं फोकस करती हूँ यूट्यूब पे जनरली नहीं करते हैं लोग, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं और क्लास चल रही है या पेड बैच में ही चल रही है इसलिए यहाँ नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता, है ना। डिटेल्ड बैचेस हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेशंस नहीं होते, ठीक है। चलिए फिर
कल मिलेंगे इसी टाइम 9:30 टाइम से। टेक केयर, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कोई भी बात हो तो।